बंद करो बंद करो, औरतों के खिलाफ तशदीद बंद करो बंद करो, पनिश द कल्प्रिट 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 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस मेरा नाम फारा जैदी है और अभी मैंने ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोटेस्ट और मैंने ज्वाइन किया है। इससे पहले भी हम जितने भी सोशल वर्कर्स सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो इन दिनों लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं और मकसद यही है जो अनंतनाग में जो इंसिडेंट जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक औरत को जो है जिंदा जला दिया और वो अभी जो है उनकी वफात हो गई है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं आम लोगों की तरफ से इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि आम लोगों की आवाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कैन इंश्योर जस्टिस और ये सारा प्रोसेस जो है केस के रिड्रेसल का केस के रजिस्ट्रेशन का वो आम लोगों की आवाज से ही होता है। आप देखिए अभी वो अगर जेल में बंद है जिन्होंने भी जो इसमें मुलव्वस थे जो भी लोग अगर वो बंद है वो इसीलिए क्योंकि एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ इन प्रोटेस्ट की वजह से, वरना ये केस जो है इतना अगर उछलता नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी बाकी केसेस की तरह दब जाता और जो भी इसमें मुलव्वस थे वो खुलेआम घूमते। और अभी प्रोटेस्ट करने का ये मकसद है कि हमारी कुछ डिमांड्स जो हम चाहते हैं चाहे गवर्नमेंट के लिए है चाहे जो है बाकी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट उनकी लिए जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी हुई इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ हो रहा है। और डिमांड्स ये है कि अभी देखिए विक्टिम जो है उनकी डेथ हो गई है लेकिन उनके पीछे जो है बच्चे हैं उनके दो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे और उनकी फैमिली है तो उनके बच्चों का मेंटेनेंस वगैरह जो है या उनके स्कूल का खर्चा बाकी चीजें उसके लिए कंपनसेशन इनको मिलनी चाहिए। और उसके लिए हम अर्ज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग को कि जो डीसी साहब है वो अपने जो उनके रेडक्रॉस के फंड होते हैं बाकी फंड होते हैं उनमें से उनको जो है वो फंड प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी चीज ये कि जो कल्प्रिट्स हैं जो भी इसमें मुलव्वस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और विदाउट एनी बेल, इफ दे आर बिहाइंड बार्स दे शुड बी बिहाइंड द बार्स और जो केस है वो कोर्ट में फॉलो हो लेकिन उन्हें कोई भी बेल जो है।